नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली की विधानसभा के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसमें पहले बीजेपी, सपा और रालोद अपनी ताकत झोंककर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 6 बजे तक तीनों क्षेत्रों में रोड शो, रैलियां, सभा, नुक्कड़ सभा से प्रचार हो सकेगा। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा, सपा और रालोद ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला और अपने उम्मीदवार की जीत का दावा किया। भाजपा उपचुनाव को लेकर पहले दिन से ही आक्रामक मोड़ में है, वहीं विपक्ष की ओर से भी उस पर जमकर हमला बोला जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, आज उनका प्रचार प्रसार थम जाएगा। देखिए नंदिनी, मैनपुरी से लेके खतौली और रामपुर का जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। आज चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। अगर इन तीनों सीटों की बात करें तो मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन है वो सबसे हॉट टॉपिक रहा है, क्योंकि ये सीट जो सीट थी वो संसदीय सीट नेताजी की थी और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये पहली बार होगा कि वहाँ पे चुनाव जो है उनके बिना हो रहा है। समाजवादी पार्टी जो है उनके बिना लड़ रही है और ये पहली बार है कि जब भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में कुछ उम्मीदें दिख रही हैं कि इस बार मैनपुरी में कमल खिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, उनकी साख का सवाल है, उनके लिए बेहद प्रतिष्ठित सीट है और बेहद ही पारंपरिक सीट है। तो पुरजोर कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, इसीलिए अखिलेश यादव ने यहाँ अपनी पत्नी डिंपल यादव को जो है परिवार के एक सदस्य को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनके साथ आए हैं। घूम घूम कर जनसभाएँ हो रही हैं, वोट मांगा जा रहा है और ख़ास करके मैनपुरी और खतौली की बात करें तो चुनावी जनसभा यहाँ पे लगातार हो रही हैं। और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीकी आई है, चुनावी जनसभा की बात तो छोड़ दीजिए, जुबानी जंग भी तेज हुई है नेताओं में। आज प्रचार का आखिरी दिन है मैनपुरी में। आज डिंपल यादव रोड शो करेंगी अपना, उनका रोड शो शुरू हो चुका है, 12 बजे से शुरू हो चुका है उनका रोड शो। वहीं जसवंत नगर में शिवपाल यादव जो है अपना रोड शो शुरू करेंगे। देखा जाए जिस तरीके से सपा और बीजेपी में एकदम आमने सामने की टक्कर है, क्या लगता है दलित वोटर किस तरफ रहेंगे इस बार, क्या है वहाँ का मूड इस बार उपचुनाव को लेकर? देखिए मैनपुरी के मैं वोटरों का समीकरण नंदिनी आपको बता दूं कि वहाँ पे जो साक्य समुदाय है, जो यादव समुदाय है, जो वहाँ पे थोड़े मुस्लिम है, तो ये जो सारे समुदाय जो समीकरण बन के आते हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कार्ड खेला है। साक्य समुदाय से आने वाले रघुराज साग को वहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद जो है अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार में या अपनी जो पत्नी है डिंपल यादव को वहाँ प्रत्याशी बनाया है। और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, पूरी समाजवादी पार्टी लगातार जनसभाएं, चुनावी सभाएं कर रही हैं और लोगों को संबोधन कर रहे हैं। और उनके हर संबोधन में, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो या उनके परिवार का कोई आदमी हो, हर संबोधन में नेताजी का जिक्र है। तो इस तरह से विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है कि किस तरह नेताजी यहाँ 91 से लेके और अब तक जो है यहाँ से सांसद रहे, यहाँ की बात जो है वो सुनते थे, लोगों का काम कराते थे, जो भी विकास है मैनपुरी में वो नेताजी की देन है। तो अपने हर भाषण में अखिलेश यादव से लेके शिवपाल यादव हो गए या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी छोटा बड़ा नेता हो गया, नेताजी को मेंशन करना नहीं भूल रहा है। पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और वोटों की अगर जो जातीय गणित है, इसकी जो समीकरण है, इसको साधने के लिए रघुराज साह के जो शिवपाल यादव के कभी बेहद करीबी थे, खुद को उनका शिष्य भी बताते हैं, तो रघुराज साह को जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये जो खेल है ये चुनावी खेल है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी है। इस बार उसका पूरा मन है कि मैनपुरी के किले को फतह कर लिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी जो है अपनी साख बचाने के लिए लड़ रही है। विवेक, दोनों की लड़ाई काफी जबरदस्त, अभी तक तो जुबानी जंग भी नेताओं की। विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार नेताजी जीतते चले आ रहे थे, मुलायम सिंह यादव के लिए कम से कम ये सीट एक विरासत की तरह थी, क्या लगता है डिंपल यादव उस पर खरी उतर पाएंगी? जी, ये देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव जो है नेताजी की जो सीट है जो वो छोड़ के चले गए हैं उस पे कितना खड़ा उतरती है। अगर बात सिर्फ जीतने की नहीं है नंदनी, बात जीतने की नहीं है,
बात है कि नेताजी ने जो अपने विरासत कायम की थी, जो उनका वर्चस्व था, जो इज्जत थी लोगों में उनके प्रति, जो काम उन्होंने किए, जो वहाँ की जनता जो उनको नेता जितने प्यार से कहती है, उस चीज को डिंपल यादव, अखिलेश यादव किस तरह से आगे ले जाते हैं, बात इस पे है, साख इस पे है। जीतने तक ही बात सीमित नहीं रहती रह जाती है। अगर डिंपल यादव यहाँ से जीत जाती है तो क्या जो लेगेसी नेताजी छोड़ के गए हैं, कितने सालों बाद भी वहाँ की जनता उनको बड़े प्यार से याद करती है, इतने उन सारे उन्होंने काम किया, उन कामों को याद करती है, तो डिंपल यादव अखिलेश यादव इस लेगेसी को कितना ले जाते हैं, बात इस पे भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसका पूरा फोकस जो है इस पे है कि किस तरह से मैनपुरी का ये रण जीता जाए, ये बाय इलेक्शन जीता जाए, इसके लिए जो समाजवादी पार्टी का जो दुर्ग है उसको भेजा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव भी जीतना है, नेताजी के लेगेसी को कायम भी रखना है, जनता में वो प्यार सम्मान बना रहे, इसके लिए काम भी करना है। तो समाजवादी पार्टी पे जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है, ये दोहरी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी पे। नहीं देखा जाए तो विवेक, आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो मैनपुरी में कौन कौन से लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे आज? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका नंदिनी कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज के बाद जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। अभी डिंपल यादव रोड शो चालू कर चुकी हैं, जसवंत नगर से जो है समाजवादी पार्टी के पुराने नेता जो है, जो इस समय प्रगतिशील समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव चाचा भतीजा भी साथ आए, तो उनका भी रोड शो है। और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है अपने चुनाव सभा को आज संबोधित करेंगे। अभी कल की अगर बात करें तो केशव मौर्य वहाँ पे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तो जितने भी ये जो दल हैं, जो दोनों दल हैं, इनके जितने फायर ब्रांड नेता हैं वो सब अपना चुनाव प्रचार वहाँ कर चुके हैं, चुनावी जनसभा कर चुके हैं, काफ़ी कुछ बयानबाजी भी वहाँ हो चुकी थी। जैसे मुख्यमंत्री वहाँ पे थे करहल विधानसभा पे, जब वो करहल में थे तो उन्होंने शिवपाल यादव को पिंडलम फुटबॉल कहा गया था। अभी दो दिन पहले की बात है, जब अखिलेश यादव ने ऑफर कर दिया था दोनों डिप्टी सीएम को कि 100 MLA लेके आए, हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो जिस तरीके से ये बाई इलेक्शन नज़दीक है, उसी हिसाब से इन दोनों पक्षों के नेताओं के जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लोग एक दूसरे पर तीखा कटाक्ष कर रहे हैं, तीखा जो है प्रतिकार भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अहम होगा ये देखना कि आज जो है कौन सी जो पार्टी है आज के चुनाव प्रचार में भारी रहती है। नंदिनी, देखा जाए तो विवेक, जिस तरीके से तीनों उपचुनाव को लेकर हमें जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सपा और बीजेपी में जोरदार की टक्कर है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैनपुरी का उपचुनाव भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहीं बीजेपी के लिए खटौली सीट बचाना भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ उलटफेर होगा या क्या जनता का मूड रहेगा इस बार? देखिए नंदिनी, जो खतौली की सीट है, पहले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी यहाँ से विधायक थे, उनको जो है सजा हुई और उनकी जो है विधायकी यहाँ से निरस्त हो गई। इस बार जो है उनकी पत्नी यहाँ से मैदान में है, तो विक्रम सैनी जो है अप्रत्यक्ष रूप से मैदान में है, ऐसा कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ रही है, उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी की, जबकि समाजवादी पार्टी और जो रालोद का गठबंधन है उनका एक प्रत्याशी यहाँ पे है। तो यहाँ भी जो लड़ाई देखने वाली है, लेकिन यहाँ पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है लीड कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक जो है इस सीट पर अब तक था और इस बार उनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लीड करते हुए दिखाई जा सकती है। क्या लगता है विवेक, समाजवादी पार्टी की चिंता मैनपुरी और रामपुर नहीं है, उसकी चिंता जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी और रालोद क्या कुछ इस चुनाव में कुछ अपना दिखा सकती है दमखम? जी, वो दमखम दिखा रहे हैं, वो मैदान में हैं, अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको मेंशन कर दूं कि समाजवादी पार्टी की चिंता रामपुर या खतौली बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना पूरा ध्यान जो है मैनपुरी के उपचुनाव पर रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी जो है मैनपुरी पे बिल्कुल फोकस है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपनी चुनावी जनसभा की है, मैनपुरी में लोगों को संबोधित किया है, मैनपुरी में जिस तरीके से गली गली में जाके अखिलेश यादव ने वोट मांगे हैं, वो खतौली या रामपुर की गलियों में नहीं गए हैं। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पूरा फोकस जो है वो मैनपुरी के बाई इलेक्शन पे है, और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी रामपुर खतौली को देख नहीं रही, वो देख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मैनपुर के बाई इलेक्शन पे कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव गलियों में जाके अब अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में वो प्रचार तक करने नहीं गए थे, धर्मेंद्र यादव
वहां से प्रत्याशी थे। तो समाजवादी पार्टी की मुख्य चिंता जो मैनपुरी है और भारतीय जनता पार्टी की भी मुख्य चिंता जो है मैनपुरी ही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग मैनपुरी पर ज्यादा फोकस किए हुए। नंदनी विवेक, देखा जाए खतौली में स्टार प्रचारक के रूप में आज कौन कौन वहां पर लोग उम्मीद रहे मौजूद रहेंगे वहां पर? देखिए खतौली जनसभा की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के सारे बड़ी नेता जो है रामपुर खतौली मैनपुरी में अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब आज की डेट में देखा जाए तो तमाम छोटे बड़े नेता आपको दिख सकते हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की जनसभाएं हो सकती हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता अपनी जनसभाएं कर चुके हैं। अब जनसभाएं करने का समय भी नहीं है नंदनी, अब लोगों को क्षेत्र में जाना है, प्रत्याशी आज क्षेत्र में घूमेंगे, जो तीनों के प्रत्याशी है वो जनसभाएं करेंगे, वो क्षेत्र में जुड़ेंगे, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं वो अपने चुनावी जनसभाएं जो है वो कर चुके हैं, वो अपने चुनावी वादों को दोहरा चुके हैं। आज का पूरा दिन यहाँ के प्रत्याशियों का है, प्रत्याशी किस तरह जनता में जाके आज के दिन का इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्या कुछ बाकी रह गया है आज के दिन जो वो विचार करेंगे और क्या कुछ करना रह गया है, सिर्फ आज ही का दिन है तो आज का पूरा दिन वहाँ के प्रत्याशियों के नाम रहेगा जो यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करेंगे। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव बहुत वहाँ पे सक्रिय हैं, तो क्या हमेशा की तरह एमवाई फैक्टर इस बार भी अपना दिखाएगा असर? देखिए एमवाई फैक्टर से ज़्यादा असर जो है वो जो इमोशनल कार्ड खेला गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं बता दूं कि साक्ष्य समाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जाति गणना की अगर बात की जाए तो साक्ष्य समाज ज़्यादा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साक्ष को अपना प्रत्याशी बता गया। जहाँ तक एमवाई फैक्टर की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जितनी अपनी योजनाएं लाती हैं, लाभार्थी योजनाएं लेके आती हैं, उसमें देश के हर तबके और हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो उस हिसाब से वो एमवाई फैक्टर को भी अपना निशाना साध लेते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि एमवाई फैक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जो विक्टिम कार्ड जो इमोशनल कार्ड खेला गया है नेताजी के नाम पे, उसका सकता है एमवाई फैक्टर के अलावा। बात करें अब रामपुर की तो देखा जाए जिस तरीके से आजम खां के विधायक की गई, फिर क्या लगता है सपा इस बार क्या अपना असर वहां पर दिखा पाएगी? मैं रामपुर की अगर बात करें तो अब रामपुर का ही अखिलेश यादव का जो बयान था, जो 100 एमएलए का ऑफर उन्होंने डिप्टी सीएम का दिया था, रामपुर का ही था, और आजम खान लगातार वहां पे अपनी चुनावी सभाएं कर चुके हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आजम खान अपनी चुनावी सभा में संबोधन करते हुए और रो भी दिए थे कि किस तरह से उनके और उनको लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उनके लोग उनके सपोर्टर हैं, इसलिए वहाँ पे उनके जो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पे उन्हें लगाए हैं ताकि उनका वोटर जो है इन योजनाओं से भटके नहीं और अपने मेन मुद्दे पे रहे, आजम खान के साथ रहे, समाजवादी पार्टी का जो एमवाई फैक्टर है उसके साथ रहे। तो ये सारी कोशिशें समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आजम खान और अखिलेश यादव द्वारा हो चुकी है। अभी अखिलेश यादव ने कल ही वहाँ पे अपनी जनसभा जो है संबोधित की थी, जहाँ पे 100 मिलर्स के ऑफर दिया था दोनों डिप्टी सीएम को, और एक ऐसा बयान दे दिया था जो प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया था। नंदनी जी, देखा जाए तो जिस तरीके से विवेक लगातार रामपुर से भी आजम खान जीते चले आ रहे थे, वहीं बात करें बीजेपी प्रत्याशी के उम्मीदवार की तो उन्होंने आकाश सक्सेना के ही कहने पर उनकी शिकायत पर ही उनकी सीट गई थी, तो क्या लगता है कितना आक्रामक दिख रहा है ये चुनाव उपचुनाव? देखिए रामपुर में आजम खान जो है काफ़ी अर्थों से जीतते आए हैं, वहाँ से विधायक थे, जब उनको सजा हुई तो उनकी विधायिका जो रद्द हो गई है, अब यहाँ से उनकी पत्नी मैदान में है, यहाँ से आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वहाँ से अपना दमखम लगा रहे हैं। दोनों ही पार्टी बहुत मजबूती से इस चुनाव को देख रही है और लड़ रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि रामपुर जो है आजम खान का गढ़ है और आज से नहीं वो दशकों से उनका गढ़ रहा है। अब आजम खान मैंने आपको बताया कि अपनी चुनावी सभा संबोधित करते ही इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू दिखा रहे हैं, वैसे जब भी चुनाव आते हैं आजम खान के ये आंसू जो है निकलते ही रहते हैं, कितने महीनों वो जेलों में बंद रहे, अपनी पीड़ाएं अपने लोगों को बताएं, चुनावी जनसभा में बताएं और काफ़ी भीड़ भी आई थी, तो ये कांटे की टक्कर है। लेकिन रामपुर में जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो आजम खान का पलड़ा भारी होते दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि उस सीट पे वो रामपुर का जो सीट है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है, तो इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए रामपुर तो नहीं होने वाला है।
देखा जाए विवेक, जिस तरीके से आपने बताया कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे ही उपचुनाव के नजदीक डेट आई तो कहीं ना कहीं आजम खान की पुरानी वीडियो जो है वो वायरल हुई है। देखिए नंदनी, ये होता रहता है कि पुराने समय में आपने जो बयान दिया है, जब वो सत्ता में थे उनको सत्ता का हनस था तो बहुत बोल्ड बयान देते थे, जब वो सत्ता में थे वो कि तो आजम खान किसी को समझते भी नहीं थे और काफ़ी बोल्ड बयान देते थे, सत्ता की हनक भी उनके थी, लेकिन सत्ता जाने के बाद उनकी क्या दुर्दशा हुई ये हम सब ने देखा हुआ है। तो रामपुर का चुनाव उनकी भी साख का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की साख का चुनाव तो है ही, जितना समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी जरूरी है उतना ही रामपुर जो है वो आजम खान के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से उनकी साख और प्रतिष्ठा दोनों जुड़ी हुई है। रामपुर हारने का मतलब यह है कि आजम खान अपनी पूरी प्रतिष्ठा राजनीति में जितनी भी रामपुर से कमाई है, यहाँ से विधायक रहते हुए, यहाँ से सांसद रहते हुए उन्होंने जो कमाया है वो सारी दाव पे लगी हुई है। अगर ये हारे तो बहुत कुछ वो गंवा देंगे, इसलिए आजम खान पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो काफ़ी बोल्ड बयान अभी भी दे रहे हैं और रामपुर में ही अखिलेश यादव ने एक बेहद ही बोल्ड बयान भी दिया था। तो इतना आसान नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई कसर आजम खान और समाजवादी पार्टी जो है रामपुर पर नहीं छोड़ रही है। बात करें अगर बीजेपी की तो देखा जाए जिस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में कई बड़े बड़े नेता यहां पर प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, वहीं भूपेंद्र चौधरी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए भूपेंद्र प्रदीप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव में उनकी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है, इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि उनका कार्यकाल बेहद स्वर्णिम रहा है। ये नए नए अभी इन्होंने पदभार संभाला है और पदभार संभालने पर जो आजमगढ़ और गोला गोकुलनाथ की सीटों पर विजय पाई है, तो भूपेंद्र चौधरी चाहेंगे कि जितने भी ये तीनों जो बाई इलेक्शन है तीनों में कमल खिल जाए, उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और ऊंचाइयों पे जाए, तीनों जगह पे कमल खिले, इसलिए वो ज़्यादा सक्रिय हैं। वो हर जगह पे, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो खतौनी हो, चाहे मैनपुरी, वो अपनी चुनावी जनसभाएं वो कर चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो भूपेंद्र चौधरी के लिए भी एक काफ़ी दमदार बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।